नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन पड़े हैं, आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एके साइंस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर एम जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है करेंट अफेयर्स में जो है पार्ट 16 पढ़ेंगे, ठीक है। और 15 जो है लोड हो चुका है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। और इसके पहले जो है 15 में जो है कुछ योजनाओं के बारे में बताया, तो उसमें मैं गलती से जो है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन का जो है बात किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो 6वीं बता दिया है उसको। आप लोग जो है पंचवर्षीय योजना बताना आप लोग। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसी में गरीबी खत्म करने का जो है नारा दिया गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कुछ जो है मिस्टेक गलती हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है, ध्यान से उतर जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग जो है, मैं उसको अगला वीडियो में जो है सही करा दूंगा। तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्ति का जो नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, उसको आप लोग करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। और भारत, कुछ लोग लड़के कह रहे हैं कि सर भारत में 29 राज्य हैं, फिर जनगणना में पढ़ाया हूँ तो उसमें कुछ लड़के कह रहे हैं 29 राज्य हैं, भारत में 36 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं और 29 राज्य हैं। टोटल राज्य भारत में 36 राज्य हैं, ठीक है। तो बार बार वो कमेंट कर रहे हैं सर आप 36 राज्य बता रहे हैं, तो भारत में 29 राज्य हैं। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, उसमें 3 तरह के राज्य दिया गया है, 7 केंद्र शासित राज्य, 29 राज्य और एक अर्जित राज्य बताया गया, तो टोटल 36 राज्य है। अनुसूची 1 पढ़ेंगे उसमें भी 36 राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है भारत में टोटल जो है 36 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य है, पुंडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, नागर हवेली है और उसके बाद देखेंगे चंडीगढ़ है। तो इस तरह देखेंगे जो है भारत में जो है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग जो है 7 केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, और 29 राज्य है, टोटल 36 राज्य हैं। तो आज हम लोग जो है करेंट अफेयर्स में जो है पार्ट 16 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिक्स है और एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना, इधर जो भी एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम हो रहा है, बच्चे कुछ कॉल किए थे कि सर क्वेश्चन सब फंस रहे हैं, ठीक है, और जीएस के अच्छे क्वेश्चन और करेंट के अच्छे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, सब फंस रहा है। तो इधर देखें, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है और उसके बाद यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, 6 जनवरी को जो है सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है और सुपर टेट में तो है 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर का जो है करेंट का ही आएगा, पूरा जीएस जो है 10 नंबर का आएगा लेकिन करेंट से जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और आजकल करेंट के क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग करेंट अफेयर में पढ़ेंगे पार्ट 16 और इसके अंतर्गत जो है देखेंगे दिया है, पहला प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। देखेंगे ये 43.63% जो है हिंदी बोलने वाले लोग हैं और देखेंगे भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखना जो है हिंदी है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भाषा है, ठीक, इसको याद रखना आप लोग। कितना बोला है 43.63% और भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 343 में लिखा गया कि संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और देखेंगे आप लोग जो है संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है संघ की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी घोषित किया गया है। और 22वां भाग जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 22 पढ़ेंगे तो उसमें संक्षिप्त नाम हिंदी के विकास से संबंधित बातें दी गई हैं। तो इस तरह देखेंगे 343 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 8वीं अनुसूची में जो है, ठीक है, 22 भाषाओं में हिंदी का भी उल्लेख किया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो देखेंगे बांग्ला भाषा है, कौन सी भाषा है, बांग्ला भाषा है, ध्यान रखना जो है बांग्ला भाषा जो है दूसरे स्थान पे बोली जा रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे बांग्ला भाषा भारत में 8.03% जो है बोली जाती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखें, और स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, कहते हैं कि स्क्रीन शॉट के टाइम नहीं देते हैं, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। देखेंगे 22 सूचीबद्ध भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे जो है 22 भाषाएं हैं उसमें जो है 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो संस्कृत भारत में सबसे जो है कम बोली जाने वाली भाषा है, सॉरी, संस्कृत,
संस्कृत जो है भारत में सबसे जो है कम बोली जाती है, जो 22 भाषाएं दी गई 8वीं अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में जो है भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। प्रश्न आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां का उपराजकीय भाषा जो है संस्कृत है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो भारत के देखेंगे उत्तराखंड राज्य है जहाँ का उपराजकीय भाषा जो है संस्कृत है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 345 में कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं दी गई हैं, उन्हीं भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषाओं को कोई भी राज्य अपना राजकीय भाषा बना सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा जो है, ठीक है, हिंदी है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है कार्यालय में जो है 1968 में जो हिंदी को एक्सेप्ट किया गया और 1989 को जो है उर्दू को उप राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। ध्यान रखना, प्रश्न आता है भाषा से संबंधित, बहुत से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आ जाए बधिर T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी किस देश ने किया, तो आप बताएंगे भारत ने किया। और प्रश्न पूछ दे, अब ये नवंबर में अभी हाल ही में हुआ है, 23 नवंबर तक हुआ है ये, तो बधिर T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में की मेजबानी किस देश ने किया, तो भारत ने किया। और मूक बधिर जो है T20 वर्ल्ड कप जो है भारत ने ही जीता है। विजेता टीम कौन है, तो आप बताएंगे विजेता टीम जो है भारत ही है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसका विजेता जो है भारत है, ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न आ जाए कि भारत के किस राज्य के द्वारा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए कि तेलंगाना राज्य का निर्माण कब किया गया है, तो आप लोग बताएंगे जो है 2 जून 2014 को जो है 29वां राज्य जो है तेलंगाना बनाया गया। प्रश्न आ जाए तेलंगाना राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आप बताएंगे भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश को काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को। इसको याद कैसे करेंगे, 2 जून, घर वाले कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ नहीं तो 2 जून रोटी के मोहताज हो जाओगे, ठीक है, तो 2 जून रोटी के मोहताज, तो 2 जून याद रखना आप लोग, ठीक है। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और ये भी ध्यान रखना जो है तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको एससी एसटी ओबीसी को 69% आरक्षण देता है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। और 69% आरक्षण का जो प्रावधान तमिलनाडु देता है, ठीक है, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। तो प्रश्न आ जाए भारत का वह कौन सा राज्य है जो एससी एसटी ओबीसी को जो है 69% आरक्षण देता है, तो तमिलनाडु देता है, जयललिता शुरू की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस कानून को किस अनुसूची में रखा गया, 9वीं अनुसूची में, प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है चीन में वर्ष 2018 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो डॉग ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। देखें चाइना जो हर वर्ष कोई ना कोई जानवरों का जो है ईयर घोषित कर दिया है, ठीक है, तो 2018 में जो है चाइना जो है डॉग ईयर के रूप में मना रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे जो है विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है क्योंकि मीडिया का जो है इधर 5-6 सालों में बहुत चर्चा का विषय बना है और प्रश्न बन सकता है। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के जो है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, भारत में मीडिया को जो है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है, 19(1)(a) के तहत। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 3 मई को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है, तो देखिए बताएंगे आप लोग शाहजहांपुर जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है 17वां जो है नगर निगम है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो संविधान के भाग 9A पढ़ेंगे तो इसी में जो है नगर निगम के बारे में उल्लेख किया गया है। और देखेंगे आप लोग जो है 1994वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है,
ठीक है, संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, और बारहवीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। प्रश्न आता है कि नगर पालिका को कितना विषय दिया गया है जिस पर वह कानून बना सकता है, तब बताएंगे नगर पालिका को 18 विषय दिया गया जिस पर वह कानून नियम बना सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नगर पालिका किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे जो है नगर पालिका जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, संविधान के भाग, संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, तब बताएंगे 9A में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। देखेंगे पहले जो है उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम था, लेकिन शाहजहांपुर को जो है 17वां नगर निगम बना दिया गया है। अभी देखेंगे कुछ महीने पहले जो है नगर निगम का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो जिसमें देखेंगे 14 राज्यों में 14 जो है 14 नगर पालिका नगर निगम पे जो है बीजेपी के जो है मेयर बने हैं, और 2 पे जो है बसपा, ठीक है, 2 पे बुआ जी मतलब मायावती जो है, ठीक है, इनके बसपा पार्टी के जो है मेयर बने हैं। तो इस तरह देखेंगे अभी 16 जो है नगर निगम का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीजेपी के 14 मेयर बने हैं और 2 पे जो है बसपा पार्टी के, पूछ सकता है एग्जाम में इसको, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस तरह 16। लेकिन 17वां नगर निगम जो है शाहजहांपुर में बनाया गया है, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन है, तो आप लोग बताएंगे गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे गुवाहाटी, तो प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला सौर ऊर्जा, देखो यहाँ पहला कह रहा है, पहला और बहुत पूछा जाता है, पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अब बताएंगे गुवाहाटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पूछ दे कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया, तो अब बताएंगे 1948 में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। प्रश्न आता है कि भारत का जो है वो कौन सा राज्य है जहाँ के हाईकोर्ट का सबसे ज़्यादा ब्रांच है, तो देखेंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो है 4 ब्रांच है, खंडपीठ है, तो सबसे ज़्यादा खंडपीठ वाला हाईकोर्ट कौन है, गुवाहाटी है। प्रश्न आ जाए कि भारत का वह कौन सा हाईकोर्ट, भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ही बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखें क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की शुरुआत की गई है, तो आप लोग बताएं किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की शुरुआत किया गया है, तो अब बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा एकांत कारावास को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, एकांत कारावास को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, अब जेल के अंदर कैदियों को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, एक रूम में नहीं छोड़ा जाएगा, तो देखेंगे जो एकांत कारावास को जो है संवैधानिक घोषित करने वाला जो राज्य है, हाईकोर्ट है, वह है उत्तराखंड, उत्तराखंड हाईकोर्ट, ध्यान रखना उत्तराखंड हाई कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे आप लोग जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एकांतता का अधिकार निजी सॉरी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसका मतलब होता है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो है कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी व्यक्ति जो है ताक झांक नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद प्रश्न आ जाए उसका प्रश्न आ जाए भारत का पहला तीव्र सुपर कंप्यूटर जिसका अनावरण 7 जनवरी 2018 को किया गया है, पुणे में किया गया है, उसका नाम क्या है, तब बताएंगे आप लोग प्रत्यूष बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रत्यूष, प्रत्यूष नाम है, ध्यान रखना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए देश का वह पहला सॉरी भारत का वह तीव्रतम सुपर कंप्यूटर जिसका अनावरण 7 जनवरी 2018 को पुणे में किया गया है, उसका नाम क्या है, तो प्रत्यूष बताओगे, प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूषा जो है सीरियल में काम भी करती है, एक्टिंग करती है, ठीक है, उसी से प्रत्यूषा से प्रत्यूष बना सकते हैं, ठीक है, ये भारत का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है जिसको अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रत्यूष। देश का वह पहला राज्य जिसने शहरी क्षेत्रों के लिए वाटर एटीएम, ये ध्यान रखना आप लोग जो है वाटर एटीएम नीति तैयार किया है, तो आप लोग बताएंगे जो है हरियाणा, हरियाणा है, ध्यान रखना आप लोग जो है हरियाणा, हरियाणा में देखेंगे गुड़गांव था उसका नाम चेंज कर, नया नाम चेंज करके जो है गुरुग्राम कर दिया गया है। और देखेंगे गोबरधन योजना की शुरुआत जो है, ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में ही किया गया है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद प्रश्न आ जाए देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है वो कहाँ है, देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है, ठीक है, वो कहाँ है, फगवाड़ा पंजाब में है,
फगवाड़ा पंजाब में है। और देखेंगे आप लोग 10 मई 2018 को सबसे बड़े तिरंगे का ध्वजारोहण किस राज्य में किया गया, तो आप लोग बताएंगे जो है तेलंगाना में किया गया है। और देखेंगे आप लोग जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया, इसीलिए 22 जनवरी को भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे ज्यादा 10 मई 2018 को सबसे बड़े तिरंगे का ध्वजारोहण करने वाला राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग जो है तेलंगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखेंगे। हाल ही में 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो आप बताएंगे दमन दीव। ठीक है, ये भारत का पहला जो है केंद्र शासित राज्य है। देखना, ध्यान रखना आप लोग, पहला जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो है, ठीक, भारत का पहला केंद्र शासित राज्य है दमन दीव। अब इसको कैसे याद रखेंगे, दमन दीव, पहले दीव से दीपक से काम चलता था, लेकिन अब दीपक से नहीं काम चलेगा, सोलर सिस्टम से काम चलेगा, सौर ऊर्जा से, इस तरह याद कर लेना आप लोग। उसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को राजस्थान के किस स्थान से किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना इसका आंसर जो है बताना झुंझुन स्थान से किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रश्न आ जाएगा कि भारत प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ, ध्यान रखना, ठीक है, 8 मार्च 2018 को राजस्थान के किस स्थान से किए हैं, झुंझुन। तो ध्यान रखना आप लोग जो है 8 मार्च को भारत में जो है, ठीक है, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखेंगे जो राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, और देखेंगे राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया, उससे कोरिलेटिव कर दें, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया है। प्रश्न आ जाए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कलेक्शन उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे गाजियाबाद है। क्या है, गाजियाबाद, ये ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहां प्रस्तावित है, तब बताएंगे वाराणसी में होगा, वाराणसी। देखेंगे अब भारत में अप्रवासी दिवस जो है, ठीक है, कब मनाया जाता है, भारत में अप्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है भारत में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए, देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता जो अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी, इंदु मल्होत्रा। देखेंगे जो है केरला में एक मंदिर है अयप्पा मंदिर, उसमें विवाह था 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं को उसमें प्रवेश वर्जित था, और 5 जजों का संवैधानिक पीठ बनाया गया था, उसमें इंदु मल्होत्रा को भी शामिल किया गया था, लेकिन उस पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, 4-1 से डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 से लेकर 50 साल की महिलाएं जो है केरला के सबरी वाला जगह जो है, वहां जो अयप्पा मंदिर है उसमें महिलाएं जा सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, यदि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं वह सबरीमाला जो है सबरीमाला जहां स्थित मंदिर है अयप्पा मंदिर उसमें जा सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, यह अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है। तो देखेंगे जो इसमें डिसीजन जो है 4-1 से आया, जिसमें इंदु मल्होत्रा जो है विपक्ष में उठ दी। इनका मानना था, इंदु मल्होत्रा का, कि ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए न्यायालय को जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो देखना, ध्यान रखना, इसमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि भारत की वो कौन सी महिला थी जो सीधे वकील से जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है, तो इंदु मल्होत्रा, इंदिरा गांधी से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो इंदु, बचपन में उनको इंदिरा गांधी को इंदु ही कहा जाता था। ठीक है, इस तरह जो है को रिलेटिव करके इसको पढ़ सकते हैं। अब ये भी प्रश्न बन सकता है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बताएंगे बेगम फातिमा बीबी थी। तो प्रश्न आगे बता सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश बनाई गई थी, तो बेगम फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, भारत का पहला राज्य जो शीघ्र ही अपना हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे ट्रांसजेनिक विधि से तैयार सुगर फ्री धान, ठीक है,
धान में शुगर होता है, लेकिन यह शुगर फ्री धान की प्रजाति कौन सी है? तो श्रीबाला है, श्रीबाला, श्रीबाला है। मधुबाला से इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। मधुबाला के आगे जो है श्री लगा देना, ठीक है। श्रीबाला मतलब मधुबाला। तो ट्रांसजेनिक विधि से तैयार शुगर फ्री धान की प्रजाति कौन सी है? श्रीबाला, मतलब मधुबाला इसी धान को खाती थी, इसीलिए बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो श्रीबाला से याद, श्रीबाला को जो है मधुबाला से जोड़ लीजिए। प्रश्न आया कि अपने राज्य के निवासियों को वृक्षों के साथ बंधुत्व स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला जो है देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपने राज्य के निवासियों को वृक्षों के साथ बंधुत्व स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम है, ध्यान रखना, सिक्किम है। और ये भी प्रश्न बन सकता है, सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो एआर रहमान को बनाया गया। और भारत का पूर्वोत्तर का जो है, देखेंगे सिक्किम भारत पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त है। और भारत का पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो खुले में शौच से मुक्त हो गया है, मतलब खुले में शौच लोग नहीं करते हैं। तो पूछ दे पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है जो खुले से जो है शौच, खुले शौच से मुक्त हो गया? तो सिक्किम है। सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग बताएंगे जो है ए आर रहमान है। और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य कौन है जो खुले में जो है शौच से मुक्त है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। अब प्रश्न आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शौचालय निर्माण किया गया? तो उत्तर प्रदेश है, और कोई काम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा शौचालय बना है, ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न बन सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 20 मार्च 2018 को झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा 20 मार्च 2018 को जो है झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो आप लोग बताना जो है, ठीक है, देवघर, देवघर जो है वहाँ जो है प्लास्टिक जो है पार्क बनाने की बात किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार ने जो है प्लास्टिक को जो है बैन कर दिया, प्लास्टिक का जो थैला आता था उसको रोक लगा दिया गया है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मिल रहा है, क्यों सर? उसके बाद देखेंगे आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है, रघुराम राजन है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। और देखेंगे अभी हाल ही में उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर से इस्तीफा दे दिए हैं। पूछ देखिए आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण। प्रश्न आ जाए जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो असम है, ध्यान रखना असम, असम जो है गैंडो के लिए, एक सिंह के गैंडो के लिए जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम है। और देखेंगे जो है एक, और देखेंगे 1 जनवरी को जो है, 1 जुलाई को जो है, सॉरी 1 जनवरी 2018 को जो है पहली बार जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। अभी हाल ही में आप लोग बताया हूँ, तो जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम है। प्रश्न आ जाए जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला देश का जो है देश का अंतिम राज्य कौन है? अंतिम राज्य, पहला राज्य जो है जीएसटी को लागू करने वाला जो है आपका जो है जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला राज्य जो है असम है। और अंतिम राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। और आप लोगों को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, प्रश्न पूछा जाता है। और संविधान के भाग 21 पढ़ेंगे आप लोग, तो भाग 21 में जो है जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया, विशेष राज्य के बारे में दिया गया है। पहली जनगणना भारत में कब किया गया? तो आप लोग बताएंगे जो पहली जनगणना जो है, ठीक है, 1872 में किया गया था। और उस समय जो वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। और यह देखेंगे आप लोग जो है यह जनगणना व्यवस्थित रूप से नहीं था, कहीं गांव में जनगणना हुआ, शहरों में जनगणना हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन जो है पहली व्यवस्थित तथा 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत करने वाला जो है, ठीक है, वायसराय जो था आपका जो है लॉर्ड रिपन था,
लॉर्ड रिपन था और ये 1881 से में देखेंगे जनगणना हुआ, उसके बाद जो है हमेशा जो हर 10 साल पे जो है जनगणना होता है। तो व्यवस्थित और 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब किया गया, तो 1881 में किया गया था, और इसको शुरू करने वाला गवर्नर वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। और ध्यान रखना जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है, यह सुपर 30 क्वेश्चन है, सुपर 30 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा। और आप लोग का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, बाय।